Hello all, myself Saket Jain, Assistant Professor, Sage School of Computer Application. आज मैं आपको बिग डेटा के बारे में बताऊंगा जो कि IoT से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एसोसिएट रहेगा. अब ये डायग्राम है, इसमें IoT मीट्स बिग डेटा. IoT को हम एसोसिएट कर रहे हैं बिग डेटा के साथ, जिसमें आपका क्या रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या एंड्रॉइड मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसा कि इसमें क्या है, एनीथिंग एनी डिवाइस, हम मोबाइल से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से उस डिवाइस को हम रन कर सकते हैं. एनीवन एनीबॉडी, कोई भी आदमी कभी भी इसको कर सकता है. एनी सर्विस एनी बिजनेस, कोई भी सर्विस किसी भी बिजनेस के लिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हम लिंक कर सकते हैं. एनी पाथ एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को हम IoT से हम एसोसिएट कर सकते हैं. एनी प्लेस एनी वेयर, किसी भी जगह को हम IoT से हम कनेक्ट कर सकते हैं. एनी टाइम एनी कॉन्टेक्स्ट. ये जैसे इसमें बाई डायरेक्शनल एरो बताया गया है, जिसमें ये सारी चीजें बिग डेटा से हमारी जो है एसोसिएट रहती हैं. मतलब हम IoT को हम बिग डेटा से एसोसिएट करके एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं. डेटा इज इंट्रीगल टू IoT. डेटा जो है वो IoT से इंट्रीगल है, ये इसमें बताया गया है. अब जैसे ये डायग्राम बताया जा रहा है, जिसमें कॉमन IT स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क ये बताया जा रहा है. मीडिया हेल्थ केयर, होम एंड बिल्डिंग, रिटेल, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी आपकी IoT से जुड़ी हुई रहती हैं. हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, अप्लायंसेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, रिटेल स्टोर्स, एप्लीकेशन डेवलपर, यूटिलिटीज, ऑटोमेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सिटी अथॉरिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, रेगुलेटर्स, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर इक्विपमेंट्स. ये सारे जो IoT के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम IoT एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. IoT का सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि जैसे कि हम अपने लाइट, अपने कोई भी, हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी, हम हमारे यहाँ के जो होम अप्लायंसेस है, जैसे फ्रिज है, माइक्रोवेव, इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. बाई चांस जैसे अब आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई आपका लाइट या फैन ऑन है, तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो सेंसर उसमें लगे रहेंगे. सेंसर आपको इंडिकेट कर देंगे कि आपका इस रूम का फैन ऑन है या लाइट ऑन है, तो आप मोबाइल से आप उसको बंद कर सकते हैं. तो IoT की हेल्प से आप अपने घर के जितने भी होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, सबको उससे कनेक्ट करके आप उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं. जैसे आप घर से जा रहे हैं, आपका फ्रिज का डोर ओपन रह गया है, तो इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि आपके मोबाइल का डोर ओपन है. इंडिकेटर जो आपका सेंसर है आपके मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा और आप उसको बंद कर देंगे. ऐसे यदि आपका AC भी ऑन रह जाता तो AC के लिए अलर्ट बता देता. तो IoT का इन सभी में यूज होता है. सर्वे ऑफ द यूज ऑफ IoT. IoT का हम यहाँ पर हम यूज करते हैं. 200 टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर IoT प्रोजेक्ट्स. द गोल ऑफ द सर्वे वाज अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग द डेटा कैप्चर्ड बाय डिवाइसेस दैट मेक अप द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड फोकस ऑन द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ IoT डेटा. यूज ऑफ IoT फॉर बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन. IoT को हम बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं. 53% आर यूजिंग IoT प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड 47% एज अ स्ट्रेटजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट. टारगेट ऑडियंस फॉर IoT सॉल्यूशन इंक्लूड कंज्यूमर्स 42%, बिजनेस 42%, बिजनेस 54% एंड इंटरनेट यूज बाय एम्प्लॉइज 51%. चैलेंजेस विद IoT प्रोजेक्ट्स. 96% हैव फेस्ड चैलेंजेस विद देयर IoT प्रोजेक्ट्स. IoT इज नॉट डिलीवरिंग full potential because of data challenges. Only 8% are fully capturing and analyzing IoT data in a timely fashion. Sirf
8% पीपली क्या करते हैं, आईओटी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं आईओटी को. 86% ऑफ स्टेक होल्डर इन बिजनेस रोल्स से डेटा इज इम्पोर्टेंट टू देयर आईओटी प्रोजेक्ट्स. 94% फेस चैलेंजेस कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग आईओटी डेटा. बेटर आईओटी डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वुड डिलीवर मोर वैल्यू. 70% से द वुड दे वुड मेक बेटर मोर मीनिंगफुल डिसीजन विद इम्प्रूव डेटा. 86% रिपोर्ट दैट फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल एनालिटिक्स वुड इंक्रीज द आरओआई ऑफ देयर आईओटी इन्वेस्टमेंट. आईओटी एंड डेटा चैलेंजेस, आईओटी के बारे में बताया गया है यहाँ पर. डेटा चैलेंजेस हैं इसमें बहुत कुछ. आईओटी एक तो क्या है, कॉस्टली पड़ता है. बहुत कुछ चीजें आजकल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन आईओटी का यूज करते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट है काफी कुछ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. इसलिए वो आईओटी का ज्यादा, आईओटी टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं करते हैं. अब जैसे बताया जाए तो 44% सेड दैट देयर वाज टू मच डेटा टू एनालाइज इफेक्टिवली. यहाँ पर बहुत सारा जो मतलब 44% जो पर्सन से पीपल्स हैं उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है. 36% दैट इट वाज डिफिकल्ट टू कैप्चर डेटा इन द फर्स्ट प्लेस. पहली जगह पर डेटा को यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. 25% सेइंग डेटा वाज नॉट कैप्चर रिलायबली. 25% कहते हैं जो डेटा होता है वो रिलायबल नहीं होता है. 19% सेइंग दैट डेटा वाज कैप्चर टू स्लोली टू बी यूजफुल. 19% लोगों का ऐसा मानना है कि डेटा जो भी कैप्चर होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है. वंस डेटा इज कैप्चर्ड, 27% सेड दे वर नॉट श्योर वॉट टू यूज इट फॉर एंड वर अनश्योर वॉट क्वेश्चन टू आस्क. मच लाइक डेटा कैप्चर, 26% सेड दैट द एनालिसिस प्रोसेस वाज टू स्लो टू बी एक्शनेबल. 24% सेड दैट बिजनेस प्रोसेस वर टू रिजिड टू अलाउ देम टू एक्ट ऑन देयर फाइंडिंग इवन इफ दे वर कैप्चर्ड एंड क्रंच्ड इन टाइम टू बी यूजफुल. While cost is often a limiting factor in many technology decisions for IoT stakeholders, ease of use appears to be more pressing issue than cost. More participants, 76%, say they would collect and store more data if it were easier than those who said they would collect and store additionally data if it were free. बिग डेटा वैल्यू चेन, इसके बारे में बताया गया है. बिग डेटा के बारे में सबसे पहले जैसे कलेक्शन, इंजेशन, डिस्कवरी एंड क्लींजिंग, इंटीग्रेशन, एनालिसिस एंड डिलीवरी. कलेक्शन जिसमें आपको होता है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. इंजेशन लोडिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा ऑन टू सिंगल डेटा स्टोर. डिस्कवरी एंड क्लींजिंग, understanding format and content, cleanup and formatting. Integration, linking, entity extraction, entity resolution, indexing and data fusion, analysis, intelligence, statistics, predictive and text analytics, machine learning. Delivery, queuing, visualization, real-time delivery on enterprise class availability. Generalized approach to standardization. Definition and taxonomy, requirement and use case, security and privacy, reference architecture, technology roadmap. Consideration for big data standardization. Variety of use case, mobility, security and privacy, lifecycle management and data quality, system management and other issue. Data characteristic, distributed, centralized. Volume, velocity, variety, data collection, data visualization, data quality, data analytics and action. Data source, sensors, application, software agents, individuals, organization, hardware sources. ये सारे आपके क्या हैं, IoT के sources हैं. अब any source, any time, anything, any device, any context, any place, anywhere, anyone.
ये डेटा सोर्सेज है। बिग डेटा स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेस, बिग डेटा यूज केसेस, डेफिनेशन, वोकैबुलरी एंड रेफरेंस, आर्किटेक्चर्स, एग्जांपल, सिस्टम डेटा, प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेटा डेटा इंक्लूडिंग डेटा प्रोवेंसेस, एप्लीकेशन मॉडल, एग्जांपल बैच स्ट्रीमिंग, क्यूरी लैंग्वेज इंक्लूडिंग नॉन रिलेशनल क्यूरीज टू सपोर्ट डाइवर्स डेटा टाइप XML, RDF, JSON, मल्टीमीडिया एंड बिग डेटा ऑपरेशन, एग्जांपल मैट्रिक्स ऑपरेशन, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, सेमेंटिक्स ऑफ इवेंचुअल कंसिस्टेंसीज, एडवांस नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, जनरल एंड डोमेन स्पेसिफिक ऑन्टोलॉजीज एंड टैक्सोनॉमीज फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा सिमेंटिक इंक्लूडिंग इंटर ऑपरेशन बिटवीन ऑन्टोलॉजीज। बिग डेटा स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेस टू, बिग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सेस कंट्रोल, इसका सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। रिमोट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फेडरेटेड एनालिटिक्स, टेकिंग द एनालिटिक्स टू द डेटा इंक्लूडिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग, रिसोर्स डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग, डेटा शेयरिंग एंड एक्सचेंजेस, डेटा स्टोरेज, एग्जाम्पल मेमोरी स्टोरेज मीडियम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस, ये डेटा स्टोरेज के इश्यूज हैं। ह्यूमन कंजप्शन of the results of big data analysis, example visualization, interface between relational SQL, non-relational NoSQL, big data quality and versatility, description and management, ये सारे इसमें challenges हैं big data के साथ। अब हम देखते हैं कि big data को हम IoT से कैसे associate करते हैं। Every minute we send 204 जनरेट मिलियन फेसबुक लाइक्स एंड सेंड 278,000 ट्वीट्स एंड अपलोड 200,000 फोटोज टू फेसबुक, 12 मिलियन RFIDs टैग्स यूज टू कैप्चर डेटा एंड ट्रैक मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फिजिकल वर्ल्ड बट टोल्ड इन 2011 बाय 2021 इट इज एस्टिमेटेड दिस नंबर विल इंक्रीज टू 2009 बिलियन एज big data for IoT takes off. The boom of big data or IoT will mean that the amount of devices that connect to the internet will rise from the about 13 billion today to 15 billion by 2020. The big data or IoT industry is expected to grow from US$10.2 billion in 2013 to about US$54.3 billion by 2017. ये था हमारा जो हमने बिग डेटा को हमने एसोसिएट किया IoT के साथ। थैंक्स।